एक बार फिर से मैंने आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिलीशियस फूड रेसिपीज के किचन में। दोस्तों मैं आज एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ और आज की मेरी रेसिपी का नाम है दही बड़े, जिसे हम दही भल्ले भी कहते हैं। ये एक नॉर्थ इंडियन डिश है और ये फेस्टिवल्स के दौरान या फिर कोई गेस्ट अगर घर में आते हैं तो उस दौरान दही बड़ा बनाया जाता है, या फिर खाने के लिए आप इसे कभी भी बना सकते हैं जब भी आपका दिल करे। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही हेल्दी दही बड़ा बनाने वाली हूँ। तो आज की मेरी दही बड़ा की रेसिपी मूंग दाल की है, तो आज मैं मूंग दाल की दही बड़े यानी कि दही भल्ले बनाऊंगी। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मूंग दाल दही बड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल। यहाँ पे मैंने मूंग दाल को रात भर सोख करके रखा हुआ था। यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग दाल लिया हुआ था। यहाँ मैंने छिलके वाले मूंग दाल का यूज किया था, जिसे मैंने रात भर भिगो कर रखा था, और सुबह मैंने इसे ठंडे पानी में दोनों हाथ से रगड़ कर इसे अच्छे से धो दिया और इसके छिलके को मैंने निकाल दिया है। आप रेगुलर मूंग दाल का भी यूज कर सकते हैं। आधा केजी यहाँ पे मैंने दही लिया है, यहाँ मैंने गाढ़ी दही का यूज किया है। मसालों में हमें चाहिए 1/6 चम्मच चिली फ्लेक्स। यहाँ पे मैंने चिली को रोस्ट कर लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ पे हमें चाहिए क्रश की हुई काली मिर्च 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हमें चाहिए काला नमक, 1/6 चम्मच हमें चाहिए ग्रेट किया हुआ अदरक, 1/6 चम्मच हमें चाहिए रोस्ट किया हुआ जीरा। रोस्ट करके जीरा को मैंने इसे भून लिया है, भूनने के बाद मैंने इसे क्रश कर लिया है। हमें चाहिए 1/6 चम्मच, गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे हम टोमेटो सॉस, इसके जगह पर आप हरी चटनी या फिर इमली की चटनी का भी यूज कर सकते हैं। नमक हम स्वाद के अनुसार लेंगे। लाल मिर्च पाउडर यहाँ मैंने 1/2 चम्मच यूज किया है, इसकी क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज किया है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ मैंने रेजिन्स लिए हैं यानी कि किशमिश लिया हुआ है 8 से 10। 2 बड़े चम्मच यहाँ मैंने लिए हैं धनिया पत्ता, इस तरह से रफली कट किया हुआ। 2 हरी मिर्च इस तरह से कट की हुई, और हमें चाहिए तलने के लिए तेल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज ये दही बड़े की रेसिपी अच्छी लगे, मूंग दाल दही बड़े की रेसिपी अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अब मूंग दाल दही बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम इस मूंग दाल को पीस लेंगे ग्राइंडिंग जार में डालकर। हमें इसे थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेना है और हमें इसे गाढ़ा पीसना है, ज्यादा पानी डालकर इसमें हमें इसे नहीं पीसना है। तो आइए पहले हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर के ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे नमक सफेद वाला स्वाद अनुसार, क्रश की हुई काली मिर्च, अदरक और किशमिश रेजिन्स, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम आइए इसे पकौड़े तल करके निकाल लेते हैं, यानी कि मूंग का वड़ा बनाकर निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने 1 बर्तन में वार्म वाटर भी रखा हुआ है, ताकि जब हम वड़े को तल करके निकालें तो इसमें हम डालेंगे, तो इसलिए यहाँ पर मैंने वार्म वाटर रखा है। इसकी जगह पर आप कोल्ड वाटर ठंडे पानी का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब वड़े को तल करके निकाल लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें चम्मच की सहायता से डालेंगे। आप चाहे तो हाथ भी यूज कर सकते हैं, हाथ से भी इसमें आप वड़े को डाल करके तल सकते हैं, बट मैं इजी तरीका बता रही हूँ। इस तरह से स्पून में ले लें और आप इसे साइड में इस तरह से डाल दें। इसे 2 स्पून की सहायता से इस तरह से करके भी डाल सकते हैं। या फिर आप हाथ से भी डाल सकते हैं इसमें इस तरह से। एक बार में कढ़ाई में जितना आ जाए हम उतना डाल लेंगे। इसे हमें चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर करके निकाल लेना है। हम इसे चलाते रहेंगे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा वड़ा फुल करके ऊपर आ गया है। अब वड़ा का साइज अपने अकॉर्डिंग देखें, छोटा या बड़ा जैसा पसंद हो आप उस तरह से तल सकते हैं इसे। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम होती है या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो आप उड़द दाल के दही बड़े की जगह पे आप मूंग दाल का दही बड़ा बनाएं, जो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, और चूंकि ये दाल है, मूंग की दाल है, तो इसमें प्रोटीन भी भर भर के होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें मैं दही ऐड करूँगी, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो बेसिकली कुल मिला के बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसमें मैं जीरा भी ऐड करूँगी, जो कि हमारे पेट को ठंडक प्रदान करता है।
मैं यहाँ पे इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। पहले मैंने इसे मीडियम हीट पे पकाया है, उसके बाद जब एक साइड से पक गया तब मैंने इसे थोड़ा सा हीट यहाँ पे ज्यादा कर दिया है, फ्लेम को थोड़ा सा मैंने हाई पे किया है और यहाँ पे मैं इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। वड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन सबको अब हम किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। तेल को अच्छे से निकल जाने देंगे। इसी तरह से सारे वड़ों को हम तल करके निकाल लेंगे। यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे किचन टॉवल पे निकाल दिया। अब इन सारे वड़ों को हम गर्म पानी में डाल देंगे, जो यहाँ पे मैंने वार्म वाटर रखा है इसमें हम ऐड कर देंगे इन सबको। इस तरह से इन सबको हम इसमें ऐड कर देंगे। आप इन वड़ों को मीडियम हीट पे ही तले, अदरवाइज ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो मैं सारे वड़ों को तल करके इसी तरह निकाल लूंगी। ये भी वड़ा हमारा हो चुका है, इसे भी हम किचन टॉवल में निकाल करके और वार्म वाटर में डाल देंगे। वार्म वाटर में डालने का रीज़न ये है कि इससे दही बड़ा बहुत ही सॉफ्ट बनता है, इसलिए मैं वड़ों को वार्म वाटर में डाल रही हूँ। गैस को बंद कर देंगे, सारे वड़ों को किचन टॉवल पर निकाल लेते हैं। आइए अब हम इसके लिए दही तैयार करते हैं। दही बड़े अच्छे से फूल गए हैं, पानी इसके अंदर चला गया, ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं आप देख सकते हैं। अब हम इन सबको इस तरह से हाथ से हल्का स्लाइटली प्रेस करके सारे वड़े को निकाल करके एक प्लेट में रख देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर इसके अंदर जो गया है वो बाहर निकल जाए। आइए अब हम इसके लिए दही तैयार कर लेते हैं। एक बड़ा सा बाउल लेंगे, उसमें दही ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा वाटर और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसकी हेल्प से मिक्स कर रही हूँ, इससे दही बहुत ही अच्छा मिक्स होता है। हमें दही में ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, अदरवाइज ये दही पतली हो जाएगी, हमें इसे गाढ़ा ही रखना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही हमारा रेडी है, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। धनिया पत्ता और हरी मिर्च, काला नमक, रोस्टेड चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च पाउडर, उजला नमक, सफेद नमक, रोस्टेड जीरा पाउडर और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल लें। यहाँ पे अच्छे से यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है, ये हमारा दही तैयार है। अब हम इसमें वड़े को ऐड करेंगे, एक एक करके इसमें दही वड़े ऐड करेंगे। इसे प्रेस करेंगे ताकि दही इन सबके अंदर चले जाए। लीजिए दोस्तों, हमारा दही वड़ा बनकर के तैयार है। बहुत ही इंस्टेंट और इजी रेसिपी है। आप इसे अभी से खाना शुरू कर सकते हैं या फिर आप इसे 15-20 मिनट के बाद खाएंगे तो इसका स्वाद और भी बढ़कर आएगा, क्योंकि 15-20 मिनट के बाद इसके अंदर दही अच्छे से चली जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको चिल खाना पसंद हो तो आप इसे फ्रिज में रखकर ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारा मूंग दाल दही वड़ा बनकर के तैयार है। यहाँ पे मैंने इससे की गार्निशिंग टोमेटो सॉस से की है, इसकी जगह पे आप हरी चटनी या फिर इमली की चटनी भी डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज ये मूंग दाल की दही वड़े की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियोज को अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं। सो फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी आइडिया या फिर सजेशन हो तो आप उसे प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप इसे ठंडा ठंडा भी सर्व कर सकते हैं और आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख करके सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ये बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है।
सो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को इस होली जरूर ट्राई करें। आप इसे किसी भी फेस्टिवल में बना करके खा सकते हैं। आपके घर अगर गेस्ट आ रहे हैं तो उस समय भी आप इसे बना करके खिलाएं। ये बहुत टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। इससे ना ही आपको कोई गैस की प्रॉब्लम होगी, ना ही कोई कॉन्स्टिपेशन होगा, और ना ही इसमें आपको हींग के तड़के लगाने की जरूरत है। सो देखा दोस्तों आपने कितना इजी वे में मैंने आपको मूंग दाल दही वड़ा बनाना सिखाया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो बहुत सारे कमेंट्स करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय दिस रेसिपी। टिल देन टेक केयर। बाय बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।